there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies जो आपको easily 3 star दिला सके home base and builder base दोनों में. Yo, let's rock. आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही brand new strategy जो मैंने खुद ही बनाई है Town Hall 12 के लिए. इस आर्मी में मैं यूज़ करूँगा माइनर्स, पेकास और सुपर विजर्ड्स. तो इस ब्रांड न्यू आर्मी का मैं नेम रखने वाला हूँ माइनस्वाइप. जी हाँ, माइन माइनर, SWI मतलब सुपर विजर्ड और लास्ट का पे मतलब पेका. माइनस्वाइप आर्मी टाउन हॉल 12 के लिए. सो गाइस, जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. यहाँ पर आपको COC के ऑसम वीडियोस मिलेंगे, ऑसम स्ट्रेटजीज हर टाउन हॉल के लिए. सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. चलिए फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. बहुत ही एक्साइटिंग आर्मी होने वाली है ये माइनस्वाइप, क्योंकि मैंने खुद बनाई है. सो इसके बहुत 7-8 अटैक्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको प्रूफ मिल सके कि आर्मी वर्क करती है. और साथ ही साथ CC ट्रूप्स भी निकलेंगे कुछ अटैक्स में. तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक बहुत ही अमेजिंग आर्मी है. चलिए आर्मी देख लेते आज की. तो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ 5 पेकास, 7 सुपर विजर्ड, 14 माइनर्स और 1 आर्चर. स्पेल्स में मैंने लिए 7 लाइटनिंग स्पेल्स, 1 अर्थक्वेक स्पेल, 1 फ्रीज और 1 हिल. 7 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से हम ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे जाती है हमारे पैकर्स को और माइनर्स को. इसीलिए पहले ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पे. और क्लैन कासल ट्रूप मैंने लिए पैका, आइस गोलम, फ्रीज, पॉइजन और सीज मशीन में लेना है लॉग लॉन्चर. लॉग लॉन्चर मुझे अभी मिला नहीं है. चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अटैक की तरफ यूजिंग द माइनस्वाइप आर्मी. चलिए बढ़ते हैं माइनस्वाइप अटैक की तरफ. ये बेस तो बहुत ही ईजी होगा इसलिए इस पर नहीं करते अटैक. चलिए ये बेस देखिए, इस पर हम करेंगे अटैक. देख सकते होंगे आप, काफ़ी बॉल्स मैक्स है, ईगल आर्टिलरी मैक्स है, एक्सपोज मैक्स है, मतलब डिफेंसिस बहुत ज़्यादा मैक्स है. सिर्फ इन्फर्नो मैक्स नहीं है और गीगा टेस्ला भी है इसके पास. तो देखिए इन्फर्नो और ईगल आर्टिलरी दोनों डिस्ट्रॉय हो गए. चलिए फिर देख लीजिए आप. सात लाइटनिंग से पहले मैं डाल दूंगा 4 लाइटनिंग ताकि इन्फर्नो भी डाउन हो जाए, फिर अर्थक्वेक डाल दूंगा. और यहाँ पर सीज मशीन मुझे मिली नहीं इसलिए मैं अपना वॉल रैकर ले रहा हूँ. यहाँ पर देखिए एक्सबो, इन्फर्नो और ईगल आर्टिलरी डाउन. सो अब हम डाल देंगे सारे पैकास, उसके पीछे वॉल रैकर और सुपर विजर्ड और फिर डाल देंगे सारे हीरोज. माइनर अभी होल्ड कीजिए, थोड़ी देर बाद डालेंगे माइनर. और यहाँ पर देखिए CC में से निकला है 2 AT और 1 विजर्ड. सो उस पर डाल देंगे पॉइजन.
अब वक्त आ गया है माइनर्स डालने का। देखिए सारे माइनर्स सीधे सीधे अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर गीगा टेस्ला को फ्रीज कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा गीगा टेस्ला जैसे ही ब्लास्ट होगा ना, माइनर्स को उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनर्स हो गए होंगे अंडरग्राउंड, सो उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा गीगा टेस्ला डिस्ट्रॉय होने पर। और वो फिर वॉल्स के अंदर जाके सारे इन्फर्नोस भी डाउन कर रहे, देखिए देख सकते हैं आप। सारे इन्फर्नोस हो चुके हैं डाउन थैंक्स टू माइनर्स। और अंदर आप देख सकते हैं पैका है, आर्चर क्वीन है और एक सुपर विजार्ड है, और सारे माइनर्स देखिए अपना काम करते हुए, और बाहर है पैका, वार्डन और बार्बेरियन किंग। सो गाइस देख सकते हैं कितना इजीली अटैक होने जा रहा है हमारा 3 स्टार यूजिंग द माइंड स्वाइप आर्मी जो मैंने खुद बनाई है। सो अगर आपको ये आर्मी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा माइनर मैक्स नहीं है, माइनर एक लेवल कम है, लेवल 6 माइनर मैक्स है इस लेवल पर, और एक फ्रीज मेरा एक लेवल कम है बस। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ यूजिंग माइंड स्वाइप आर्मी। अगर आपका अटैक नहीं हो रहा इसलिए आपको ट्रूप्स मैक्स करना ज़रूरी है, और सुपर विजार्ड्स तो हमारे ऑसम है ही। चलिए ये बेस मिला है हमें, इस पर अटैक करना है। देखिए ईगल आर्टिलरी की तरफ जूम कर दिया है मैंने, उस पर डालेंगे 7 लाइटनिंग एक और तो एक, उसको इस तरह से डालेंगे कि साइड बिल्डिंग्स भी ज़्यादा डैमेज मिल जाए। यहाँ पर देखिए डबल कैनन है विजर्ड टावर सब डाउन हो जाएगा। चलिए देखिए डालते हैं, और साथ ही साथ डाल देंगे अर्थ को एक, 4 बचे हैं तो उन्हें डालेंगे एक्सबोज की डिरेक्शन में ताकि एक्सपो को भी मैक्सिमम डैमेज मिल जाए। थोड़ा सा रह गया है एक्सपो, फिर अब यहाँ पर डाल देंगे हमारे पैकास, और यहाँ पर लॉग लॉन्चर मुझे मिला है तो लॉग लॉन्चर भी डाल देंगे। जैसे ही वॉल्स टूट जाए अंदर डाल देंगे हम सारे पैकास, सारे हीरोज और फिर सुपर विजार्ड। माइनर्स के लिए थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर देखिए इन्फर्नो ऐसे ही डाउन हो गया थैंक्स टू लॉग लॉन्चर। अब डाल देंगे सारे माइनर्स, और हमने यूज़ कर लिया है वार्डन एबिलिटी। सो टाउन हॉल हो चुका है डाउन, अब बचा है एक मल्टी इन्फर्नो। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फ्लुएंटली अटैक हो रहा है, बाहर हमारे सुपर विजर्ड्स हेल्प कर रहे हैं, तीनों हीरोज हमारे एक्टिव है, साथ ही साथ उनके साथ है माइनर्स और पेका। अब बचे सिर्फ 2 डिफेंस, एक है एक्सपो और एक मल्टी इन्फर्नो। सो इजीली अटैक भी हमारा हो रहा है, एक 3 स्टार अटैक। ऑसम अटैक गाइस यूजिंग द माइंड स्वाइप आर्मी, हमने कर लिया एक और अटैक 3 स्टार। चलिए फिर बढ़ते एक और अटैक की तरफ, ये देखिए ये बेस है, इसमें देखिए डिफेंसिस सारे मैक्स है, सिर्फ इसका इन्फर्नो मैक्स नहीं है और एक्सपोज, बाकी रेस्ट सारे डिफेंसिस मैक्स है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए एक्सपो के पास में डाल रहा हूँ ताकि एक्सपो भी डाउन हो जाए ईगल आर्टिलरी के साथ। और 2 एक्सपोज और एक ईगल आर्टिलरी डाउन हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं डाल दूंगा सारे पैकाज एक लाइन में, उनके बीच सुपर विजार्ड, फिर लॉग लॉन्चर, और थोड़ी देर बाद डाल देंगे सारे हीरोज और फिर उसके बाद माइनर्स।
यहाँ पर इन्फर्नो का डैमेज बढ़ा था तो मैंने वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया और सीसी में से इलेक्ट्रो और बेबी ड्रैगन निकला, उनको फ्रीज कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अब वहाँ डाल देंगे हील ताकि हमारे ट्रूप्स को थोड़ी हील मिल जाए। और देखिए मैं माइनर सारे डाल चुका हूँ। और इसी के साथ लास्ट इन्फर्नो भी हो चुका है डाउन, विजार्ड टावर डाउन। अब बढ़ रहे वार्डन की तरफ, वार्डन को कर दिया है डाउन। और देख सकते हैं आप कितने ट्रूप बचे हुए हमारे, पेका, आइस गोलम, तीनों हीरोज, बाहर भी दो पेकास है, साथ ही साथ उनके दो सुपर विजार्ड्स। सो इजीली ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक 3 स्टार अटैक यूजिंग दिस ऑसम आर्मी, माइंड स्वाइप आर्मी टाउन हॉल 12 के लिए जो मैंने खुद बनाई है। और इसी के साथ हमारा लास्ट डिफेंस भी हो चुका है डाउन। सो गाइस इजीली ये अटैक भी हमारा हो चुका है एक 3 स्टार अटैक। यो रॉक ऑन माइंड स्वाइप आर्मी टाउन हॉल 12, लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम आर्मी। यहाँ पर देखिए सब अलग अलग डायरेक्शन में, इन्फर्नो और ईगल आर्टिलरी नहीं ले सकते, तो ईगल आर्टिलरी के साथ मैंने ले लिया आर्चर क्वीन को, एग्जैक्टली उसके ऊपर डाउन कर लिया। सो अब हम डाल देंगे सारे पैकाज, लॉग लॉन्चर, सुपर विजर्ड, और यहाँ पर सीसी में से निकल चुका है सुपर मिनियन, तो उस पर डाल देंगे पॉइजन एंड देन फ्रीज। फिर डाल देंगे सारे हीरोज और थोड़ी देर बाद डाल देंगे सारे माइनर्स। यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो बहुत डैमेज दे रहा था इसीलिए उसे फ्रीज कर दिया है। और ध्यान रखिएगा वार्डन एबिलिटी स्टार्टिंग में यूज़ कर लीजिए तो आपके हीरोज पहले सेफ रहेंगे, हीरोज और ट्रूप सारे, सो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने वार्डन एबिलिटी लेट कर दिया तो सारे ट्रूप स्टार्टिंग में मर जाएंगे जिससे कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका अटैक फेल हो जाएगा। यहाँ पर किंग वर्सेस किंग चल रहा है, हमारा किंग जीत चुका है। और वह उसके साथ में आप देख सकते हैं बाहर सुपर विजार्ड है और नीचे से निकल रहे सारे माइनर्स। आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर लिए, माइनर्स आप देख सकते हैं बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, साथ ही साथ है मैक्स लेवल का पैका और तीनों हीरोज हमारे लाइव है और उनके साथ सुपर विजार्ड रॉक ऑन। इसी के साथ और एक अटैक हमारा हो चुका है एक 3 स्टार अटैक, लेट्स सी अनदर अटैक ऑफ द सेम स्ट्रेटजी। यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा अटैक्स करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर बेस पे आर्मी समझ में आ जाए किस तरह से अटैक करना है। यहाँ पर देखिए ईगल आर्टिलरी के साथ मैंने एक्सबो और विजार्ड टावर भी डाउन किया है। अब वहाँ से डाल देंगे हम सारे पैकर्स, उसके पीछे लॉग लॉन्चर, सुपर विजार्ड। यहाँ पर इन्फर्नो डैमेज दे सकता था इसीलिए उसे फ्रीज कर दिया है। फिर डाल देंगे सारे हीरोज और थोड़ी देर बाद सारे माइनर्स। फिर यूज़ कर लेंगे वार्डन एबिलिटी सारे ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर सीसी में से निकल चुके सुपर मिनियन, सोने पॉइजन और फ्रीज डाल दिया है मैंने। और बाहर आप देख सकते हैं सुपर विजर्ड्स का जलवा, आइस गोलम, वार्डन और बार्बेरियन किंग के साथ सुपर विजर्ड्स है और बीच में पेका, आर्चर क्वीन और माइनर्स। सो गाइस ये अटैक भी हमारा बढ़ रहा है एक 3 स्टार अटैक की तरफ, परफेक्ट 3 स्टार यूजिंग द माइंड स्वाइप आर्मी। कुछ बेसिस जो मैंने अटैक किया वो मैक्स थे, कुछ थे जो मैक्स नहीं थे, लेकिन डिफेंसिस मैक्स थे तो आप उन्हें मैक्स कंसीडर कर सकते। और मेरे
हीरोज भी मैक्स नहीं है और माइनर भी मैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम 3 स्टार कर पा रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बढ़िया आर्मी है ये। यहाँ पर देखिए, ईगल आर्टिलरी के पास से आर्चर क्वीन और एक्सबो, सो अब हमें आर्चर क्वीन को भी लेंगे साथ में और ट्राई करेंगे कि एक्सबो भी मिल जाए। चलिए आर्चर क्वीन को आने दीजिए पोजीशन पे, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर डाल देंगे सारे लाइटनिंग्स। आ गए पोजीशन में, चले डाले लाइटनिंग और इन्फर्नो, लाइटनिंग और अर्थक्वेक डाल दिया। देखिए एक्सबो भी डाउन हो चुका है। फिर डाल देंगे सारे पैकास, लॉग लॉन्चर, उनके पीछे सुपर विजार्ड्स। थोड़ी देर वेट करने के बाद डालेंगे सारे हीरोज। यहाँ पर इन्फर्नो और गीगा टेस्ला डैमेज दे रहे थे तो फ्रीज डाल दिया, और यहाँ पर सीसी में से निकल चुके सुपर मिनियन, तो उन पर पॉइजन और फ्रीज डाल देंगे। और अब डाल देंगे हमारे सारे माइनर्स और वार्डन एबिलिटी कर लेंगे यूज़। वहाँ पर हमारी आर्चर क्वीन अकेली पड़ गई है, सारे ट्रूप्स हमारे इस तरफ है। सो आर्चर क्वीन डाउन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा डैमेज दे जाएगी वो। और अब यहाँ पर हमारे सारे ट्रूप्स बेस क्लियर करेंगे। मास पैकाज है, आइस गोलम, बारबेरियन किंग, वार्डन, सुपर विजार्ड्स, सब इजीली बेस को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। सो गाइस, ये है हमारी एक औसम आर्मी जो मैंने खुद बनाई है। सो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यूज़ करके बताइएगा कैसी लगी है आर्मी। माइंड स्वाइप आर्मी टाउन हॉल 12 के लिए न्यू इनोवेशन आर्मी है ये। अब यहाँ पर देखिए बचे एक्सपो, ग्रैंड वार्डन, इंफर्नो और एयर डिफेंस। सो हमारे माइंड अंदर जाकर इन्फर्नो डिस्ट्रॉय करा है, देख सकते हैं आप। सो अब बच गया है सिर्फ एक्सबो, वार्डन और एयर डिफेंस। यहाँ पर एयर डिफेंस भी हो जाएगा डाउन। सो अब बचा है सिर्फ एक्सबो और ग्रैंड वार्डन। सो इजीली इन्हें भी हम कर जाएंगे डाउन, और हमारा अटैक हो जाएगा एक 3 स्टार अटैक। ऑसम आर्मी गाइस, ऑसम अटैक, ओवर पावर्ड माइंड स्वाइप आर्मी। चलिए फिर बढ़ते एक और अटैक की तरफ। यहाँ पर देखिए ईगल आर्टिलरी के साथ इन्फर्नो भी है, तो इन्फर्नो भी ले जाएंगे हम साथ में। सो एक इन्फर्नो मिल चुका है हमें, डाउन हो चुका है। दूसरे इन्फर्नो को थोड़ा डैमेज मिल चुका है। डाल देंगे सारे पैकाज, लॉग लॉन्चर और उनके भी थे सुपर विजार्ड्स। जैसे ही वॉल्स टूट जाए फिर हम डाल देंगे सारे हीरोज, और थोड़ी देर वेट करने के बाद माइनर्स। यहाँ पर सीसी में से निकल चुका है इलेक्ट्रो और बलून, सोन पर पॉइजन और फ्रीज डाल दिया है, और यहाँ पर वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया है ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डैमेज नहीं मिले उन्हें स्टार्टिंग में ही। ये बेस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैक्स है। सिर्फ इसने क्या किया है, गीगा टेस्ला अनलॉक नहीं किया है, बाकी तो ये फुल ऑन मैक्स बेस है। तो देख सकते हैं आप, मैक्स बेस पर मैं अटैक कर रहा हूँ अपनी आर्मी के साथ माइंड स्वाइप आर्मी। और थोड़ी देर बाद माइनर्स को हील की ज़रूरत है, तो हील डाल दिया माइनर्स के ऊपर, और एक फ्रीज बचा था तो उसे यूज़ कर लिया है। आर्चर क्वीन हमारी हो चुकी है डाउन, और बचा है वार्डन, माइनर्स, पैका है और सुपर विजार्ड है बाहर। देखते हैं ये 3 स्टार हो पाएगा नहीं। माइनर आप देख सकते हैं बहुत सारे दिख रहे होंगे, और उनके साथ है हमारा पैका और सुपर विजार्ड। वे टू गो सुपर विजार्ड एंड माइनर्स एंड पैकास, माइंड स्वाइप आर्मी फॉर टाउन हॉल 12। ये आर्मी हो रही है एक सक्सेसफुल, और इसी के साथ एक और सक्सेसफुल अटैक हमारा हो चुका है 3 स्टार यूजिंग द माइंड स्वाइप आर्मी। देख सकते हैं आप गाइस कितनी औसम आर्मी है ये।
मैक्स ऑलमोस्ट मैक्स बेस पर, फुल ऑन मैक्स बेस था, सिर्फ उसका गीगा टेस्ला नहीं था। और हम यहाँ पर कर चुके एक 3-स्टार अटैक, सीसी में से इलेक्ट्रो भी निकला था फिर भी हमने कर लिया है 3-स्टार। चले चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ यूजिंग माइंड स्वाइप आर्मी, लेट्स सी अनदर अटैक। चलिए देखें, यहाँ पर देखिए एक्सपोज है साथ में ईगल आर्टिलरी के, दोनों एक्सपोज पे एक साथ डालेंगे तो दोनों एक्सपो एक साथ डाउन हो जाएंगी। 5 लाइटनिंग से एक एक्सपो डाउन हो जाएगा। देखिए एकदम सेंटर में डाला है मैंने तो दोनों एक्सपोज को डैमेज मिला है सेम टू सेम, और डाल देंगे अर्थक्वेक। सो देख सकते हैं आप दोनों एक्सपोज डाउन हो चुके हैं। अब दो लाइटनिंग बची थी तो वो आर्चर टावर डाउन करने में यूज़ कर ली। अब डाल देंगे सारे पेकास, लॉग लॉन्चर, सुपर विजार्ड, और जैसे ही वॉल्स टूट जाए फिर डाल देंगे सारे हीरोस, और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद डालेंगे बाकी के बचे सारे माइनर्स। यहाँ पर डैमेज मिल सकता था इन्फर्नो और गीगा टेस्ला का तो मैंने फ्रीज कर दिया है। अब हमने डाल दिए सारे माइनर्स और फिर से गीगा टेस्ला और इन्फर्नो को फ्रीज कर दिया है। अब यूज़ कर लेंगे हमारी वार्डन एबिलिटी ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारी माइंड स्वाइप आर्मी पूरी तरह से अटैक करते हुए माइनर्स वॉल्स के अंदर से जाके इजीली हमारा अटैक माइनर्स वॉल के अंदर से जाते इजीली अपना अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर सीसी में से आइस गोलम निकला था वो डाउन हुआ था इसीलिए फ्रीज हुआ था। तो देख सकते हैं आप कई अटैक्स में सीसी में से ट्रूप्स निकले, फर्स्ट में था येटी, फिर एक में इलेक्ट्रो निकला था, यहाँ पर था पैकर, आइस गोलम, फिर भी हमारा अटैक हो रहा है 3-स्टार। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बड़ी आर्मी है ये माइंड स्वाइप आर्मी टाउन हॉल 12 के लिए। अब बचे सिर्फ कुछ ही डिफेंसिस, देख सकते हैं आप यहाँ पर विजार्ड टावर हो चुका है डाउन, अब हिडन टेस्ला डाउन करेंगे। अब बचा है सिर्फ एक कैनन और एक हिडन टेस्ला, और ट्रूप्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारे माइनर्स दिख रहे हैं। पैका दो पैका है, एक मैक्स है, एक लेवल 8 है, बार्बेरियन किंग, आर्चर क्वीन, ग्रैंड वार्डन। सो इजीली अटैक भी हमारा हो जाएगा एक 3-स्टार अटैक थैंक्स टू दिस ऑसम आर्मी माइंड स्वाइप आर्मी। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ बचा एक हिडन टेस्ला, जायंट बॉम्ब के फूटने की वजह से हमारे माइनर्स नहीं बच पाए लेकिन फिर भी हमारा अटैक हो जाएगा 3-स्टार। अभी भी दो पैकर्स और सारे हीरोज बचे हुए। सो गाइज वेल डन, हमारा अटैक हो चुका है एक 3-स्टार अटैक, परफेक्ट 3-स्टार अटैक होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ बचा एक बिल्डर हट जहाँ ये लोग डिस्ट्रॉय कराएंगे, और टाइम भी देख सकते बहुत बचा हुआ है। वंडरफुल स्ट्रेटजी गाइस, देख सकते आप प्रूफ दिए मैंने कई अटैक्स करके आपको कि कैसे कोई भी बेस पर आप 3-स्टार कर सकते हैं। मैक्स थोड़ा कम मैक्स, और मेरे ट्रूप्स भी मैक्स नहीं है, माइनर मैक्स नहीं है, और हीरोज फिर भी अटैक 3-स्टार हो पा रहे, तो आप सोच ही सकते कितनी बड़ी आर्मी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगी आपको ये आर्मी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।